गाइस श्री शिवाय नमस्ते दम वेलकम टू माय चैनल कमलेश गुनन आर्ट। तो गाइस आज हम आपके लिए आज हम कैप बनाना सिखाएंगे। ये वाली हमारी पोशाक है, इस वाली पोशाक के कैप बनाना बताएंगे कैसे बनाते हैं। तो चलिए गाइस बनाएंगे, इस तरीके से लाएंगे इस धागे को ऐसे ऐसे डालेंगे और हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। ये हमारा लॉक हो गया। अब इसको हम ऐसे पकड़ के इस धागे को दरी रहने देंगे, निकाल देंगे और ये ऐसे पकड़ लेते हैं और इसको खींच दीजिए, टाइट हो जाएगा गाइस। देखिए ये हमारा लॉक हो चुका है। अब हम एक दो तीन तीन चैन बना देते हैं और इस मैजिक सर्कल के अंदर से ही डबल क्रोशिया बनाएंगे गाइस। इस तरीके से एक हमारी चैन हो गई। अब इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। एक हमारी चैन हो गई और एक ये डबल क्रोशिया, तो ये दो हो गए, तीन चार पाँच छः सात आठ। ये यहाँ से इस वाले धागे से ये जो छोटा धागा है इसे खींच देते तो छोटा भी हो जाता है। इसी से हो गए नौ और दस, ग्यारह, तो ये हो गए बारह। बारह हो गए। अब इसे खींच के हम छोटा कर लेंगे, इसे ये होल ना दिखे, इतना छोटा करेंगे गाइस कि ये हमारा होल ना दिखे। एकदम से खींच देंगे, होल नहीं आना चाहिए इसमें। ऐसे देख, अब ये होल नहीं है इसमें। अब हम जो हमने तीन की चैन ली थी उसी में हम सिर्फ स्टिच कर देंगे गाइस, इस तरीके से। देखिए ये हमारा इस तरीके से बन के तैयार हुआ है। अब एक दो दो डबल क्रोशिया कर दी, ऐसे धागे लेंगे, सॉरी गाइस ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया हम इस तरीके से बनाते हुए आएंगे, हर चेन में एक एक बार इस तरीके से हर चेन में बनाएंगे गाइस। हर चेन में हम सिंगल हाफ डबल क्रोशिया करते हुए जा रहे हैं गाइस, सिंगल हाफ डबल क्रोशिया ऐसे ही करते हैं। ये हो गया हमारा एंड। अब हमारी ये दो चेन थी इसी में लेके सिल्प स्टिच कर देंगे। हो गई सिल्प स्टिच। अब गाइस एक दो दो चेन ले ली, फिर दोबारा से इसी में इसी तरीके से करते हुए जाएंगे, एक और इसी में एक बार और कर देंगे दो। ठीक है, जो हमारी चेन थी हमने स्लिप स्टिच करा, उसके बाद में जो चेन ली थी उसमें हमने दो बार सिंगल डबल क्रोशिया करा है, उसके बाद सब में एक एक बार करते हुए जाएंगे। इस तरीके से ये हमारा दूसरा राउंड चल रहा है सिंगल हाफ डबल क्रोशिया का। देखिए अभी हमारा एंड पे आ गया। अब दो चेन ली थी वहीं पे हम सिल्प स्टिच कर देते हैं,
ये हमारी स्लिप स्टिच हो गई गाइस। अब इसको हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, दो राउंड हो गए, दो राउंड के बाद में हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। तीसरा राउंड भी हम बनाते हुए जाएंगे सिंगल हाफ डबल कुशिया से, हर चेन में एक एक बार निकालते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से गाइस हम ये ध्यान रखेंगे कि हमने ये कहाँ से हमारा राउंड स्टार्ट हुआ था और कहाँ पर हमें स्लिप स्टिच करनी है, क्योंकि अगर आप इसी तरीके से बनाते हुए जाओगे तो आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाओगे कि हमने कहाँ स्लिप स्टिच करनी है, एक जैसा हो जाता है ना। तो ये ध्यान रखना कि ये हमारा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, इसलिए हमें दिख जाएगा कि यहाँ से हमने स्टार्टिंग करी थी। क्योंकि अगर आप बनाते गए कहीं पर भी स्लिप स्टिच नहीं करी आपने और कहीं से भी ये चैन नहीं ली दो, तो फिर ऊपर नीचे हो जाएगी ये कैप, फिर आपको लगेगा कि हमने गलत बना लिया। तो इसको स्लिप स्टिच भी करना है गाइस, और इसमें दो चैन भी बनानी है उसी तरीके से जैसे मैं बना रही हूँ। तो ये ध्यान में रखना कि आपने स्लिप स्टिच कहाँ करी थी, जहाँ से हम दोबारा से राउंड स्टार्ट करें। तो देखिए गाइस, ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहीं से स्लिप स्टिच कर दूँगी। अब ये मेरा तीसरा राउंड कंप्लीट हो गया। देखिए तीन हो गए राउंड, अब चौथा राउंड एक और बनाऊँगी गाइस। एक दो दो चैन ले ली। ये चारों राउंड गाइस हम एक जैसे ही बनाते हैं, मैं तो आपको बता रही हूँ। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, उनमें मैंने नहीं बताया है, केवल एक राउंड ही दिखाया है बना के, बट इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ पूरा बना के बिना कट किए। देखिए, क्योंकि न्यू बिगनर होते हैं वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें चार राउंड किस तरीके से बनाने हैं, कहाँ एंड करना है, कहाँ से हमें डबल चेन लेनी है। तो उन्हीं के लिए मैं ये बता रही हूँ। बिगनर तो अच्छे से बना ही सकते हैं, इनको उनको नहीं ज़रूरत होती इतना सब कुछ बताने की। तो मैं ये न्यू बिगनर के लिए बता रही हूँ गाइस। ये मेरा चौथा राउंड चल रहा है और हर चेन में एक एक बार सिंगल हाफ डबल क्रोशिया लेती हुई जा रही हूँ मैं। देखिए इस तरीके से, अब ये मेरा चौथा राउंड भी पूरा होने वाला है। देखिए ये हो गया है। अब मैं यहाँ पर सेल्फ स्टिच करूँगी। यहाँ पर देखिए एक और ले लेती हूँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, उसी से हमें पता चल जाता है कि हम यहाँ से स्टार्टिंग करी थी। देखिए ये मेरा धागा निकल गया। देखिए अब मैं यहाँ से सेल्फ स्टिच कर दिया, सिल्प स्टिच हो गई। अब एक चैन लेंगे और इस धागे हमारे इस तरीके से आ गया एक कलर। अब हम दूसरा कलर भी स्टार्ट लगाएंगे इसमें, जैसे कि ये वाला लगा हुआ है। तो गाइस मैं इस तरीके की डिज़ाइन तो नहीं बनाऊंगी इसमें, क्योंकि ये कैप छोटा है और ये डिज़ाइन काफ़ी बड़ी है। तो मैं बनाऊंगी भी तो इसमें एक में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं इस टाइप से बना के दिखा रही हूँ। पहले ये वाली जो डिज़ाइन डाली थी, ये वाली जो दिख रही है, ये वाली आपको डिज़ाइन इसमें डाल के दिखाऊँगी। उसके बाद ये वाली डिज़ाइन नहीं बनाऊंगी मैं, डबल सिंग वो बना दूंगी इसमें कैप हैट जो होता है ना, उस तरीके से बनाऊंगी। तो देखिए गाइस, देखिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्टिंग करूंगी। ये हमारी यहाँ पर एंड हुई थी तो मैं यहीं से करूंगी। अंदर की तरफ से डालते हैं गाइस, पीछे की तरफ से ही इसकी डिज़ाइन बनती है। तो हम इस तरीके से क्रोशिया डालेंगे ऊपर से और अंदर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे इसे ऐसे निकालेंगे, ठीक है। और हर डबल क्रोशिया में हम इसको एक डबल क्रोशिया ऊपर से दिखती है, देखो ये जो डबल क्रोशिया हमें दिख रही है ना यहाँ पे, ये वाला लुक दिख रहा है, इसके अंदर हम एक ही इससे अंदर ले जाएंगे, फिर इसमें धागा लपेटेंगे अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ ले आएंगे, फिर एक आगे वाले धागे से पीछे वाले धागे को निकालेंगे इस तरीके से। ये निकल गया इस तरीके से, फिर खाली क्रोशिया हम दूसरी डबल क्रोशिया के अंदर से डालेंगे और फिर इधर से हम धागा ले लेंगे और बाहर की तरफ निकाल लेंगे। अब देखिए एक डबल क्रोशिया हमारे बीच में है, इन दोनों धागों लुक के पीछे बीच में है। तो अब हम इसको आगे वाले लुक में से पीछे वाले लुक को निकालेंगे, आगे वाले लुक को पीछे वाले में से निकालेंगे इस तरीके से, फिर दोबारा से नेक्स्ट में डालेंगे और फिर ऐसे धागा लपेटेंगे और फिर इसी तरीके से निकाल देंगे। ऐसे ही हर डबल क्रोशिया में हम इस तरीके से ही डालते आएंगे और डबल क्रोशिया बीच में फंसा लेंगे और आगे वाले में से पीछे वाले को निकालते हुए आएंगे और पीछे से अंदर उल्टी साइड्स की तरफ हमारा ये वाला धागा है,
तो इसी धागे को हम इस तरीके से निकालते हुए आएंगे। तो देख सकते हो आप, मैं आपके सामने ही करके दिखा रही हूँ पूरा राउंड। देखिए बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ मैं, इस तरीके से। ये फंस गया है थोड़ा सा इसमें येलो कलर वाला। देखिए इस तरीके से हम यहाँ रख लेंगे, फिर ऐसे ही राउंड पूरा करेंगे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से फिर डालेंगे और ऐसे निकालेंगे, फिर डालेंगे और ऐसे निकालेंगे, फिर इसी में डालेंगे इस तरीके से निकालेंगे और फिर इसको लंबा। देखिए गाइस ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसे कट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये लास्ट का ऑप्शन रह जाता है, इसे हम बड़ा कर देंगे और ये जो हुक निकाल लेंगे इसमें से और अंदर की तरफ से डालेंगे हम इस वाली जहाँ से हमने स्टार्टिंग करा था उसी वाली चेन में से निकालेंगे इसको और ये वाला जो हुक है इसमें फंसा के छोटा कर देंगे और अंदर की तरफ ले आएंगे इसको। देखो देखिए हम ले आए, अब इसको सीधा कर दो, ये टाइट हो गया थोड़ा सा। अब हम एक चेन लेंगे इसमें से और इसको कट कर देंगे। देखिए इस तरीके का राउंड आया है ये ऊपर, आप देख सकते हो। ये हमने यहाँ से लिया था और अंदर की तरफ ही, अब यहाँ इसको पकड़ो उल्टा करेंगे और इसको पकड़ो, दोनों को पकड़ो, इसे खींच दो टाइट, इसे लूज ना हो, और सबको लेके एक साथ गांठ लगा दो तो ये हमारे निकलेंगे नहीं, और कट कर दो। गांठ लग गई, अब इनको हम कट कर देंगे तो ये हमारे बाहर नहीं दिखेंगे, फिर इनको हम सीधा कर लेते हैं। कट करके सीधा कर लो। तो और आगे बताती हूँ, अब देखिएगा इसमें, अब ये दूसरा कलर लगा रही हूँ इसमें, आगे का बताऊँगी अब इसमें क्या करना है। ये जो डिजाइन बनी हुई है इसकी जगह हम थोड़ा सा डबल क्रोशिया में डिजाइन बनाएंगे, आप देख सकते हो ये हो गया। तीन तीन चेन बना ली गाइस हमने ये, और इस धागे को यहीं पकड़ लेंगे जिससे ये निकल ना जाए, और ऐसे धागा लपेटेंगे और इसी में दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। जहाँ से हमने चेन लिया था उसी होल में हमने दो एक बार डबल क्रोशिया कर दिया, फिर धागा लपेटेंगे। हर चेन में हम दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे गाइस, एक बार कर दिया, अब एक बार और धागा लेंगे और इसी होल में इसी चेन में सेम दोबारा कर देंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में करेंगे इस तरीके से, फिर नेक्स्ट में करेंगे, सॉरी इसी में करेंगे। हर चेन में हम दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे गाइस, देख सकते हो आप, एक बार निकाला और इसी होल में फिर दोबारा से निकालेंगे हम, फिर दोबारा से इसी में डाला, नेक्स्ट में डाला, निकल गया। फिर इसी होल में डालेंगे इसी चेन में, फिर नेक्स्ट में, फिर इसी में सेम चेन में हम एक बार निकालते हैं, फिर सेम चेन में दोबारा डालते हैं, एक चेन में दो दो बार डबल क्रोशिया करते हुए आएंगे गाइस इस तरीके से। हर चेन में हम दो दो बार डबल क्रोशिया निकाल रहे हैं, हमारी जो हैट होती है उस टाइप से बना रहे हैं हम।
और गाइस कमेंट करके भी बताया करो कि ये कैसी लग रही है हमारी लड्डू गोपाल की हैट। और आप बनाते हो तो गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब किया करो, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। और गाइस अगर इसकी ड्रेस आप बनाना चाहते हो तो मैं इसकी लिंक दे दूँगी, आई बटन लगा दूँगी ऊपर, तो उसे आप टच करोगे तो इसकी जो पोशाक बनी है उसकी भी वीडियो आप निकाल सकते हो ऊपर आई बटन को टच करके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो जो लोगो आता है मेरे चैनल का उसको टच कर दिया करो, तो उससे चैनल मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा, जिससे मैं कोई भी नोटिफिकेशन डालूँगा, कोई भी वीडियो डालूँगी वो आप तक पहले पहुँच जाएगी गाइस। देखिए अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे यहाँ से, देखिए ये ऐसा आया। अब तीन की चेन में स्लिप स्टिच नहीं करेंगे हम, डबल कुर्सिया की चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आया है। और एक चेन लेंगे और इसको हम कट कर देंगे। देखिए अब ये जो धागा दिख रहा है इसको हम उल्टी साइड में इस तरीके बड़ा काट लो, तो उसके बाद में निडल से अंदर कर दो, इस तरीके से मैंने किया। वैसे देखिए हमारी हेड इस तरीके से बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हो। और मुझे कमेंट करके भी बताना गाइस कैसी लग रही है हेड। देखिए गाइस ये हमारी पोशाक और ये सब तैयार हो गया। अब इसका हम एक फ्लावर बनाएंगे कैप के लिए, तो सबसे पहले हम मैजिक सर्कल बनाएंगे इस तरीके से, और इसको हुक को डालेंगे और इस तरीके से नॉट लगा ली। अब हम इसको निकाल देंगे, और ये वाला धागा इससे हम छोटा भी कर सकते हैं इसको, और एक चेन ले ली, ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया, लॉक कर दिया। अब एक दो तीन, तीन चेन ले ली, एक डबल कुश, तीन चेन लेके एक डबल कुशिया करेंगे, ये हमारी डबल कुशिया हो गई। अब एक दो तीन, तीन चेन ले ली, अब इसको हम इसी मैजिक सर्कल में ही स्लिप स्टिच कर देंगे गाइस इस तरीके से। एक बार हो गया ये, अब दूसरी बार सेम इसी तरीके से करेंगे, तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, अब एक डबल कुशिया कर देंगे इस तरीके से। अब डबल कुशिया के बाद तीन चेन लेंगे, एक दो, स्टार्टिंग और लास्ट में दोनों में तीन तीन चेन लेते हैं और एक डबल कुशिया बीच में कर देते हैं। तो देखिए अब स्लिप स्टिच कर देंगे, तो ये दूसरा भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब सेम ऐसे ही एक राउंड और बनाना है इसी मैजिक सर्कल में, तो तीन चेन लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन ले ली, अब डबल कुशिया लेंगे मैजिक सर्कल से ही, डबल कुशिया हो गई। अब तीन चेन लेंगे, एक दो और ये तीन, तीन चेन ले ली गाइस। अब देखिए यहाँ स्लिप स्टिच कर देंगे हम मैजिक सर्कल में, ये हमारी स्लिप स्टिच होगी गाइस। अब हम इसको निकालेंगे और ये जो छोटा वाला धागा था इसको पकड़ के खींच देंगे। पहले एक चेन ले लेती हूँ मैं इसमें, और इसे कट भी कर देती हूँ, फिर आप देख रहे होंगे कि कौन सा धागा चल रहा है। ये एक चेन हो गई, अब मैं इसको कट कर देती हूँ गाइस, पहले ये धागा कट कर देती हूँ जिससे हम बुनाई कर रहे थे। देखिए अब ये निकल गया, अब दिखाती हूँ आपको। देखो ये हमने जो बुनाई कर रहे थे वो वाला धागा कट कर दिया, अब जो ये वाला मैजिक वाला जो धागा था अब इसको हम पकड़ के इस पे हाथ रख लेंगे फ्लावर पर,
और ऐसे खींच देंगे। देखिए ये होल नहीं दिखना चाहिए, इसे टाइट खींच देंगे। खींच दिया, इस तरीके का आया है। अब देखिए इसमें गांठ लगा देंगे। ये गांठ लग गई हमारी टाइट, एक बार और कर देते हैं। अब इसे कट कर देते हैं दोनों धागों को। और देखो, अब देखिए हम यहाँ पर इस फ्लावर को निडिल की सहायता से जॉइंट कर देंगे। निडिल ले लेंगे और हम इसको सिल देंगे इस तरीके से। देखिए अभी मैं सिल के दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस, ये हमारा कैप इस तरीके का लग रहा है। देखिए ये धागा निकल रहा है, मैं इसको सिल दूंगी गाइस, क्योंकि ये बार 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 निकल के दिख रहा है इस तरीके से। मैं इसको सिल दूंगी बाद में। देखिए तो ये हमारा फ्लावर इस तरीके का बन के तैयार हुआ है देखो, और ये हमारी कैप इस तरीके की लग रही है, देख सकते हो आप। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।